हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माता दुर्गा यानी कूष्मांडा के रूप में की जाती है। अपनी मंद मुस्कान द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा कहा गया। ऐसी मान्यता है कि जब दुनिया नहीं थी तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया। देवी की 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा व जप माला है। देवी का वाहन सिंह है। शांत संयत होकर भक्ति भाव से माता की हमें पूजा करनी चाहिए। इनकी उपासना से भक्तों को सभी सिद्धियां व निधियां मिलती हैं। लोग निरोग होते हैं और आयु व यश में बढ़ोतरी होती है। इस दिन माता को मालपुआ का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे बुद्धि का विकास होता है। माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग आप जरूर लगाएं और भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और इसके साथ ही निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होती है। जिन लोगों को निर्णय लेने में दिक्कत होती है वह माता का चौथे दिन यानी माता कूष्मांडा की पूजा जरूर करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।